Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. आज हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। पहले हमने देखा था ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता था, जो किसी ग्रुप में एलिमेंट होते थे उनकी तादाद को क्या कहते थे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप क्या होगा, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसमें हमारे पास कोई ग्रुप होगा जी, लेट जी बी आ ग्रुप। जी हमारे पास क्या होगा, कोई ग्रुप होगा एंड कोई इसके एलिमेंट ले लेते हैं ए बिलोंग टू जी। अगर ए बिलोंग करता है जी से तो देन हम क्या लिख सकते हैं, देन अ पॉजिटिव, देन अ पॉजिटिव इंटीजर एन, एन ये क्या होगा, ऑर्डर होगा किसका, इज ऑर्डर ऑफ ए का। ए हमारे पास कोई एलिमेंट है, इसका हमें ऑर्डर मालूम करना है, तो लेट हम उसको एन से शो करें कि एन क्या शो करता है, उसके ऑर्डर को शो करता है। तो हमारे पास क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़। क्या कंडीशन होगी हमारे पास, पहली कंडीशन ये होगी कि जो ए की पावर एन है वो हमारे पास क्या हो, आइडेंटिटी के इक्वल हो। दूसरी कंडीशन क्या है, जो एन है वो क्या हो, एन इज लीस्ट पॉजिटिव, सबसे छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर हो वो क्या होगा, एन होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब, अच्छा हम ये डिस्कस कर देते हैं कि हमारे पास जो ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, इसमें दो केस हो सकते हैं, या हमारे पास क्या हो सकता है, एडिशन का हो सकता है, या क्या हो सकता है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन का हो सकता है। तो एडिशन के केस में क्या होगा हमारे पास, कि ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आए, ठीक है। अब हमारे पास एडिशन में क्या होगा कि एन ए इज इक्वल टू ई, इसका क्या मतलब है कि हम किसी नंबर को कितनी बार ऐड करते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी है। जैसे मैं वन को ले लेता हूँ, वन प्लस वन प्लस वन, वन को कितनी बार मैं ऐड करता जाऊँ कि हमारे पास आइडेंटिटी आए, तो वन को मैं इन्फिनिट बार भी ऐड करता जाऊँ तो हमारे पास आइडेंटिटी नहीं आएगी। तो जितनी बार इसको ऐड करना है वो उतना उसका ऑर्डर होगा। इसको कितनी बार ऐड किया हमने, इन्फिनिट टाइम ऐड किया फिर भी आइडेंटिटी नहीं आया, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। एडिशन में कितनी मरतबा उसको ऐड करें, एक ही नंबर को उसी नंबर में कितनी बार ऐड करें, जितनी बार ऐड करेंगे वो उसका ऑर्डर होगा, और कितनी बार ऐड करेंगे हमारे पास क्या आए, आइडेंटिटी आए। और मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा कि किसी नंबर को उसी नंबर के साथ कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आइडेंटिटी आए। जैसे ये हम कोई एग्जांपल खुद से ही ले रहे हैं, आगे हम एग्जांपल इसकी वन मल्टीप्लाई वन, वन को कितनी बार मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास वन है। तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी हमारे पास, जो एडिशन है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, और जो हमारे पास है वन मल्टीप्लिकेशन, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होती है हमारे पास, वन होती है। तो इसको कितने मरतबा मल्टीप्लाई करूँ कि वन आए, तो इसको मैं सिर्फ वन टाइम ही लिखूँ तो वन ही आता है। मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो इसका ऑर्डर है वन का वो क्या होगा, वन होगा। इसी तरह इसका ऑर्डर वन का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ओके, मतलब वन की पावर वन इज इक्वल टू ई होगा ना, वन की पावर वन इज इक्वल टू ई, क्योंकि एक टाइम ही हमने उसको लिखा तो वो हमारे पास वन की इक्वल ही आ गया। तो ये जो ऊपर लिखा है ये क्या होता है, उसकी
आर्डर होता है, आर्डर किसका, एलिमेंट का। तो हम इसके आगे क्या देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एग्जांपल नंबर वन। तो अगर हम सेट ऑफ इंटीजर लेते हैं, हमें पता है जो सेट ऑफ इंटीजर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, अगर वो ग्रुप होता है तो इसकी जो हमारे पास, अच्छा एक नोट देख लें कि जो किसी भी ग्रुप की आइडेंटिटी होती है उसका आर्डर हमेशा क्या होता है, वन। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज वन। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ, अगर एडिशन में आए तो हमारे पास जो जीरो होती है वो आइडेंटिटी होती है, इसका आर्डर क्या होगा, वन होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में, ये किस में होगा, एडिशन में, और ये मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होगा, आर्डर ऑफ वन इज इक्वल टू वन। कोई भी जो आइडेंटिटी किसी ग्रुप की होगी उसका आर्डर हमेशा क्या होगा, वन होगा। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो। तो हम ज़ीरो का आर्डर क्या लिख सकते हैं, आर्डर, इसका मतलब आर्डर ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होगा, वन। अच्छा, अब आर्डर ऑफ वन ये हमने मालूम करना है, इसका क्या मतलब है, वन को कितने टाइम में ऐड करता जाऊं कि हमारे पास क्या आए, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब ज़ीरो है। तो वन को जितनी मर्जी मतलब मैं प्लस करता जाऊं, आइडेंटिटी हमारे पास नहीं आएगी, तो इसका आर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी। सो आर्डर ऑफ वन विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी, आर्डर ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन। इसी तरह कोई भी हम एलिमेंट लें, जैसे टू ले लेते हैं, तो आर्डर ऑफ टू, टू को जितनी बार मर्जी ऐड करते जाएं हमारे पास ज़ीरो नहीं आएगा, तो इसका आर्डर भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इसके बाकी तकरीबन सारे एलिमेंट का आर्डर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब एग्जांपल टू की तरफ आते हैं हम, कि हम एक ले लेते हैं ग्रुप, कौन सा, रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर, जिसमें से हम माइनस ज़ीरो को निकाल देंगे तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू किस क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये क्या होता है, ग्रुप होता है। ओके, अब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी हम पहले ही इधर लिख लेते हैं, आइडेंटिटी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, वन होती है। अब ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो अगर इसकी आइडेंटिटी वन है तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा, हमेशा वन होता है, ये हमने ऊपर नोट भी पढ़ा है, इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसमें से कोई एलिमेंट अगर मैं ले लेता हूँ, जैसे टू ले लेता हूँ, तो हमारे पास आर्डर ऑफ टू क्या होगा, टू को कितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करता जाऊँ मेरे पास वन नहीं आएगा, तो इसका क्या होगा, आर्डर इन्फिनिट होगा। इसी तरह मैं अगर लेता हूँ आर्डर ऑफ वन बाई टू, वन बाई टू आर से बिलोंग करते हैं ना, वन बाई टू बिलोंग्स टू आर, इसका आर्डर लूँ तो वो भी हमारे पास, इसको कितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लें हमारे पास आइडेंटिटी मतलब वन नहीं आता, तो ये भी, इसका आर्डर भी हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इसी तरह हम एक और इसमें से ले लें, अगर माइनस वन, आर्डर ऑफ माइनस वन क्या हो सकता है, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, तो हमारे पास जवाब क्या आता है, प्लस वन, प्लस वन क्या होता है, आइडेंटिटी उसकी होती है, तो इसका आर्डर हमारे पास क्या होगा, आर्डर ऑफ माइनस वन विल बी टू, क्योंकि हमने टू टाइम उसको मतलब माइनस जो है वन की पावर टू, हमारे पास वन होता है ना, तो ये जो ऊपर एन की वैल्यू आई हमारे पास, ये क्या होता है, उसका आर्डर होता है, तो इसका आर्डर क्या होगा, एन इज इक्वल टू टू है, तो आर्डर भी क्या होगा, टू होगा। आगे एग्जांपल नंबर थ्री में अगर हम ग्रुप लेते हैं, हमारे पास जी इज इक्वल टू जी एन, जी एन हमें पता है सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो होता है, इसमें अगर मैं जी फोर को ले लूँ तो इसके अंदर हमारे पास जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, जीरो की क्लास, वन की क्लास, टू की क्लास और थ्री की क्लास। अब हमें पता है जो एन होता है जितना उसका मॉड्यूलो हो उसका जो आर्डर होता है वो ज़ीरो के आर्डर के इक्वल होता है, तो इसमें मेरे पास एन फोर है, तो फोर का आर्डर किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के आर्डर के इक्वल होगा। या फोर का कोई भी मल्टीपल हो उसका आर्डर भी अगर ट्वेल्व है, इसका आर्डर भी किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के आर्डर के इक्वल होता है, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी।
अब हमारे पास इसको हमने चेक करना है कि इनके जो एलिमेंट है ना चारों के चारों, इसका आर्डर क्या होगा, इसकी जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास कौन सी है, ज़ीरो, तो आर्डर ऑफ ज़ीरो क्या होगा हमें पता है, वन होगा। इसी तरह आर्डर ऑफ हमने मालूम करना है वन क्या होगा, इसी तरह आर्डर ऑफ हमारे पास टू की क्लास इसका क्या होगा, आर्डर ऑफ थ्री की क्लास इसका ये क्या होगा। अब हम अगर वन को देखें तो वन को कितनी बार ऐड करेंगे हमारे पास ये ज़ीरो की, मतलब आइडेंटिटी है वन की क्लास प्लस वन की क्लास प्लस वन की क्लास प्लस वन की क्लास, तो ये हमारे पास क्या होगा फोर की क्लास हो जाएगा, और फोर की क्लास हमें पता है ज़ीरो की क्लास के इक्वल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई वन की क्लास इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आता है, या ये नहीं देख। अब ये फोर टाइम मल्टीप्लाई हमने किया है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, मतलब फोर टाइम हमने ऐड किया तो इसका आर्डर क्या होगा, फोर होगा। या ये देख लें कितनी बार ऐड हो रहे हैं, एक दो तीन चार बार ऐड हो रहे हैं, तो आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका आर्डर क्या होगा, फोर होगा। इसी तरह टू का आर्डर हमने देखना है, तो टू की क्लास को कितने टाइम में ऐड करूँ कि हमारे पास ज़ीरो की क्लास है, ये टू प्लस टू फोर की क्लास इज इक्वल टू ज़ीरो की क्लास, तो इसको हमने कितनी बार ऐड किया है, टू टाइम ऐड किया, तो हमारे पास ये क्या होगा, इसका आर्डर टू होगा। इसी तरह ये थ्री पे आ जाए तो हमारे पास क्या होगा, थ्री की क्लास प्लस थ्री की क्लास प्लस थ्री की क्लास प्लस थ्री की क्लास, ये कितना बनेगा, ट्वेल्व की क्लास। ये किसका मल्टीपल है, इसका फोर का मल्टीपल है, तो ये भी किसके इक्वल होगा, ज़ीरो की क्लास के, तो इसको इसका आर्डर भी क्या होगा, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम ऐड किए तो इसका आर्डर भी क्या होगा, फोर होगा। आगे हम देखते हैं एग्जांपल नंबर टू, अगर जी हमारे पास हो सिक्स, इसमें एन हमारे पास किसके इक्वल होगा, सिक्स के इक्वल होगा, तो जो हमारे पास है एन सिक्स की क्लास है वो किसके इक्वल होगी, ज़ीरो की क्लास के, ये हमें पता है, ये ऊपर भी हमने लिखा है, ठीक है। अब जो है इसके जी को सिक्स को अगर मैं शो करूँ तो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो की क्लास, फिर वन की क्लास होगी, फिर क्या होगी, टू की क्लास, थ्री की क्लास, फोर की क्लास, फाइव की क्लास, ये होगी। तो इसी तरह हम इसका आर्डर भी क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो इसका आर्डर हमारे पास जो आइडेंटिटी होता है उसका आर्डर हमेशा क्या होता है, वन होता है, तो आर्डर ऑफ वन की क्लास क्या होगा हमारे पास, सिक्स होगा, और ये आपने कर लेना। आर्डर ऑफ टू की क्लास हमारे पास क्या होगा, थ्री होगा। इस तरह आर्डर ऑफ हमारे पास जो है थ्री की क्लास उसका क्या होगा हमारे पास, टू होगा। आर्डर ऑफ फोर की क्लास हमारे पास किसके इक्वल होगा, थ्री के, और आर्डर ऑफ फाइव की क्लास इज इक्वल टू क्या होगा, सिक्स। अब पीछे हमने जो था ना आर्डर ऑफ क्या पढ़ा था, एलिमेंट पढ़ा था, आर्डर ऑफ ग्रुप पहले पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं आर्डर ऑफ एलिमेंट। अगर हमारे पास जो ग्रुप है जो उसका आर्डर है इनफाइनाइट हो, तो जो उसका एलिमेंट है उसका आर्डर फाइनाइट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इनफिनिट भी हो सकता है। इसी तरह अगर ग्रुप जो हमारे पास था उसका आर्डर है, आर्डर ऑफ ग्रुप इज फाइनाइट, अगर ग्रुप का आर्डर फाइनाइट है तो उसके जो एलिमेंट है उसका जो आर्डर है, आर्डर ऑफ एलिमेंट, वो क्या होगा, हमेशा फाइनाइट होगा। अब हमारे पास एस थ्री अगर हम लेते हैं, कंपोजिशन का जो ग्रुप होता है उसकी जो अरेंजमेंट होती थी वो कितनी होती थी, थ्री फैक्टोरियल क्या होता है, सिक्स के इक्वल, तो ये सिक्स तो उसके बन गए। अब हमारे पास ये उसकी आइडेंटिटी होती है, तो इसका आर्डर क्या होगा हमारे पास, वन होगा। इसी तरह इस एफ टू का आर्डर मालूम करना है, तो एफ टू आर्डर ऑफ एफ टू मालूम करना है क्या होगा, एफ टू हम लेंगे, इसको कंपोज करेंगे एफ टू के साथ, इसको इससे साथ कितनी मतलब कंपोज करके हमारे पास आइडेंटिटी है, वन टू थ्री, वन थ्री टू, कंपोज इसी के साथ कितनी बार करेंगे, वन थ्री टू थ्री, वन थ्री टू, वन के नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो इधर भी ये वन टू थ्री वन आ गया, टू के नीचे थ्री आ रहा है, थ्री के नीचे क्या आ रहा है, टू आ रहा है, थ्री के नीचे टू आ रहा है, टू के नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, थ्री आ रहा है, तो ये हो गया, तो ये किसके इक्वल है,
f1 के मतलब आइडेंटिटी के इक्वल है, तो हमारे पास इसका आर्डर आर्डर ऑफ जो f2 है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। इसी तरह हम सब के आर्डर फाइंड कर लेंगे, कितनी बार उनको कंपोज करें कि हमारे पास क्या आए, जो है आई आए। अगर ये अभी नहीं आता तो हम जो इसका ये जवाब आया था उसको फिर किसे कंपोज करते थे, f2 से करते, तो हमारे पास उसका आर्डर 3 हो जाता। अब इसका आर्डर कितना है, 2 है। अब हमारे पास d3 अगर हम लें तो उसके अंदर ये हमने पीछे पढ़ा था वो यही आती है ना, ये इसको s1 s2 s3 हो गया। अब इसकी आइडेंटिटी ये होती है, तो आर्डर ऑफ r0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। अगर हमने आर्डर ऑफ r 120 कैलकुलेट करना है, मालूम करना है, तो वो हमारे पास क्या होगा। अब 120 को 120 के साथ ही कितनी बार हम कंपोज करें कि हमारे पास ये आइडेंटिटी आए, तो ये किससे करेगा कंपोज, सॉरी ये हम इसके अप्लाई करेंगे r120 रोटेशन, तो हमारे पास ये r120 पे ये अप्लाई किए तो हमारे पास क्या बनेगा, 120 वन की जगह पे, ये जो 3 है 1 की जगह पे आ जाएगा, 12 की जगह पे चला जाएगा, 2 इधर आ गया। अभी हमारे पास क्या बना है, आइडेंटिटी अभी नहीं बना है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, r120 की रोटेशन करवाएंगे, तो देखें हमारे पास फिर क्या बनेगा, 1 इसकी जगह पे आ जाएगा, 2 3 की जगह पे आ जाएगा, 3 इसकी जगह पे, तो ये किसके इक्वल आ गया, हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, मतलब r0 के इक्वल आ गया। तो इसका आर्डर हमारे पास 1 2 3, तो आर्डर हमारे पास क्या होगा, जो इसका आर्डर क्या हो जाएगा, 3। इसी तरह हम बाकियों के आर्डर भी तब्दील कर सकते हैं, और जैसे है हमारे पास r 240, इसी तरह अगर s1 का आर्डर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या है, आर्डर ऑफ s1 क्या होगा, s1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 3 2, तो ये s1 इस पे करें अप्लाई तो हमारे पास क्या होगा, 1 2 3, तो इसका आर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्डर ऑफ s1 इज इक्वल टू 2। तो ये था हमारे पास आर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप।